राजनीति से बहुत ऊपर थे। वैसे तो टाइगर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन सहृदय और पार्टी लाइन्स से बहुत हटकर काम करते थे। कोई भी किसी विचारधारा को कोई भी आदमी जाए वो तुरंत काम करते थे। ऐसे राजनीतिक बहुत कम होते हैं। मंत्री रहते हुए भी मैं जब भर मिला तो इतना भाव उनका इतना अच्छा होता था, लगता है कोई पारिवारिक सदस्य जा रहा है। और इसीलिए उनकी असामयिक निधन से सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक पार्टी नहीं पूरा झारखंड दुखित है। उन्होंने कोरोना से संघर्ष किया, उसके बाद लौट के आए, हम सब खुशी हुई कि जगन्नाथ जी आ गए वापस। और बीमारी के बाद भी वो रुके नहीं। आप देखो कि बीमारी के बाद भी ऑफिस करना, ऑफिस के बाद भी जाके क्षेत्र में जाना, जबकि हमको पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी मना करते थे कि भाई ज़्यादा क्षेत्र में मत जाओ आप, किंतु वो उनका मन नहीं मानता था। लगातार क्षेत्र में भ्रमण, क्षेत्र में जाना, लोगों से जुड़ना, किंतु आज मैं कह सकता हूँ कि आज झारखंड ने एक अपना लाल खो दिया है और ऐसे ऐसे राजनीति को खोया है कि ऐसे राजनीतिक आज के ज़माने में, आज के परिवेश में ऐसा मंत्री मिलना बहुत मुश्किल होता है। हम सब बहुत दुखी हैं आज। इसीलिए देखिए अहले सुबह इतना बड़ा जमावड़ा है, लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं अपनी ओर से निजी तौर पर मैं बहुत दुखी हूँ और कह सकता हूँ कि ये अपूर्णीय क्षति है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।